ये हमने टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है डाइल्यूट हाइड्रोजन परऑक्साइड या H2O2, और उसमें डिप किया हुआ है पोटैटो का ट्यूबर। पोटैटो के ट्यूबर में कैटेलेज एंजाइम होती है जो कि इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में ब्रेक कर रही है। ये जो हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, ये प्योर ऑक्सीजन है। इन ऑक्सीजन के बबल्स को क्या हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं? ऑक्सीजन के निकलते हुए इन हज़ारों बबल्स को ट्रैप करने के लिए टेस्ट ट्यूब के मुंह पर इस तरह से मैंने एक घंटा पहले इस बलून को लगा दिया था, जो कि लगाते टाइम बिल्कुल पिचका हुआ था, और आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी ऑक्सीजन भर गई है। चूँकि ये एक एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, और आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में एंजाइम खुद इस्तेमाल नहीं होता, तो ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन परऑक्साइड यूटिलाइज नहीं हो जाता। और इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड पानी और ऑक्सीजन में ब्रेक होता रहेगा और इस बलून में ऑक्सीजन भरती रहेगी। ऑक्सीजन के निकलते हुए बबल्स को हम अगर कलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं?